हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मौसम यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मौसम विभाग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। मौसम विभाग ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी यहाँ पे जारी की गई है। देख सकते हैं आप, अगले 2 दिनों में बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत मौसम विभाग ने बहुत ही भयंकर यहाँ पे चक्रवात तूफान और बारिश आने की यहाँ पे संभावना बताई गई है। तो दोस्तों, बारिश को लेके इन सभी राज्यों के अंतर्गत हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, सावन के महीने में बहुत ही अच्छी यहाँ पे इन राज्यों के अंतर्गत बारिश होने की संभावना यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिन के अंतर्गत बताई जा रही है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे मौसम विभाग को लेके हमारे सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूंगा, इसी तरीके की मौसम विभाग से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो दोस्तों, अब इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल के साथ जुड़ें। और साथ में दोस्तों, सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से बैल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी नेक्स्ट मौसम विभाग की अब बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आती है उसका वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारे को भी पता चल पाए कि कितने लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों और किसान भाइयों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के मौसम विभाग की पल पल की बिल्कुल सटीक जानकारी चैनल के माध्यम से देख पाएं। तो दोस्तों, चलिए मौसम विभाग को लेके क्या बड़ी अपडेट आ रही है, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है, करते हैं उस बात का खुलासा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, 22 जुलाई 2019 की बड़ी अपडेट है, वेदर अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। दिल्ली NCR के मौसम की सबसे ताज़ा अपडेट, कब होगी तेज बारिश। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आप दिल्ली NCR द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट जारी की गई है, सावन के पहले सोमवार को दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है, इससे लोगों को काफी परेशानियां सामने आ रही है। इसी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम और गाजियाबाद के वसुंधरा में भी काफी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे बारिश की इमेज देख सकते हैं, कितनी भयंकर यहाँ पे बारिश हो रही है। इससे पहले जून या फिर आधा जुलाई तक भले ही मानसून दिल्ली NCR में रूठा हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे अब जो है मानसून भारत के संपूर्ण राज्यों के अंतर्गत आने वाला है, इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के दौरान रिमझिम फुहारों के साथ दिल्ली NCR के लोगों पर मानसून पूरी तरह से मेहरबान होने जा रहा है और अगले एक सप्ताह झमाझम बारिश के यहाँ पे आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं दिल्ली वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, झमाझम बारिश से के बन रहे हैं आसार। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर KJ रमेश के मुताबिक 22 जुलाई सोमवार से दिल्ली NCR ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ भी अच्छी बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की तरफ मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की उम्मीद है, तो बंगाल की खाड़ी से हवा के कम दबाव का क्षेत्र भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश होगी और आगे भी ये जो बारिश है इसी तरीके से जारी रहेगी। हफ्ते भर के मौसम का हाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं रविवार को हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली NCR में सोमवार को सुबह थोड़ी उमस जरूर रही, लेकिन मौसम विभाग की माने तो दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और शाम होते होते कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास मौसम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि झमाझम बारिश होने वाली है। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान के मुताबिक 24 और 25 जुलाई को दिल्ली NCR में बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। इसके बाद 26 और 27 जुलाई को गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। किन किन राज्यों में बहुत ही भयंकर बारिश होगी 24 से 27 जुलाई तक देख सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम और पूर्वोत्तर के राज्य जिनके अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी के अंतर्गत अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी भारी बारिश होने का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद 25 जुलाई को किन किन राज्यों के अंतर्गत बारिश होगी, तो देख सकते हैं 25 जुलाई को भी होगी तेज बारिश।
मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हो सकती है। 26 जुलाई की हम बात करें तो दोस्तों, अगर आप ये जिस भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य की जानकारी चाहते हैं मौसम विभाग की, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि मैं उस राज्य की जानकारी सबसे पहले लेके आ सकूं कि उस राज्य में कब यहां पे बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। तो 26 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अनुमान, मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गोवा और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं हम बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का यहां पे 24 से 27 जुलाई तक अनुमान यहां पे लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के लिए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होना है और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र भी बनना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये दोनों ही नहीं हो तो बारिश की अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाती है। दिल्ली एनसीआर में मानसून के शुरुआती दौर में अच्छी बारिश न होने की प्रमुख वजह भी यही रही। पिछले एक पखवाड़े के दौरान दिल्ली में बारिश नहीं होने के पीछे यही बड़ी वजह थी, लेकिन दोस्तों अब इस वजह का समाधान यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम सामान्य 96% के आसपास ही रहेगा। शुरुआत में भी मानसून अलनिनो के प्रभाव से बहुत ही कमजोर पड़ चुका था, जिसके कारण काफी लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ा लोगों को बारिश का। जून के महीने में बारिश आने वाली थी, लेकिन दोस्तों अलनिनो के कारण मानसून जो है देरी से भारत के अंतर्गत प्रवेश कर पाया है। यानी कि देख सकते हैं आप, जुलाई भी आधी जा चुकी है, अब जाके मानसून भारत के दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर पाया है। लेकिन अब अलनिनो का प्रभाव करीब करीब खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत ही जल्द लगभग सभी जगह बारिश के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत कब कब बारिश होगी। तो वहीं 24 और 25 जुलाई की हम बात करें तो 24 और 25 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत बहुत ही बारिश का यहाँ पे पूर्वानुमान बताया जा रहा है। इसके बाद 26 और 27 जुलाई को गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। किन किन राज्यों के अंतर्गत तो हम बात करें तो कर्नाटक, केरल, बिहार, इनके साथ साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेके भी अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ भी बहुत ही भारी बारिश का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। 25 जुलाई की हम बात करें तो 25 जुलाई को देख सकते हैं आप, यूपी के साथ साथ बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में बारिश की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पे 26 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ साथ 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास गोवा और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, सिक्किम, हरियाणा और पंजाब, इनके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी के अंतर्गत बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे मौसम विभाग की पल पल जानकारी आपको दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को दिल से लाइक करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, इसी तरीके की मौसम विभाग की पल पल की अपडेट फ्री में सबसे पहले बिल्कुल सटीक हमारे चैनल के माध्यम से आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्षेत्र की जानकारी आपके सामने लेके आ सकूं कि वहां का मौसम का क्या हाल है, कब वहां पे मानसून पहुंचने वाला है, कब वहां पे भारी मात्रा में बारिश की संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के मौसम की पल पल की जानकारी फ्री में देख पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट
ऐसे ही नई लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ। अगर मौसम की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।